तो हेलो गाइस, आज है लीला का आखिरी दिन और कथा के भी आज आखिरी दिन है। यज्ञ का भी आज आखिरी दिन है, लेकिन शायद 2 दिन के लिए लीला बढ़ सकती है, कथा यज्ञ तो शायद नहीं बढ़ेगी। और अभी तो आज यहाँ पे कोई बुफर पे गाना सुन रहा था, भजन सुन रहा था, तो मुझे उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, बट जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो मुझे पता लगा कि इसमें आवाज़ आ रही, तो उससे कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया। यहाँ पर भी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप सभी। और अभी मैं जा रहा हूँ, जस्ट पंडाल के सामने ही हूँ, तो पंडाल के अंदर जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं पूरा पंडाल दिन में कैसा दिखता है, यहाँ पे पूरा साफ वाफ हो रखा है, सुबह सुबह झाड़ू भी लग चुका है। इस वक्त मैं स्टेज के जस्ट पीछे बैठा हुआ हूँ और जस्ट मेरे सामने ही खेत है और इधर पंडाल है। अभी इस स्टेज पे देख सकते हैं मैं पीछे वाले, बिल्कुल पीछे वाले एरिया में बैठा हुआ हूँ। और हाँ, शायद 2 दिन की बढ़ सकती है लीला, तो वो भी ब्लॉग्स आएंगे। तो आप सभी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। और राधे राधे तो ज़रूर ही लिख दें कमेंट में। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, कुमार कृष्णा @ नाम से मेरी आईडी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जो शेयर कर दें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल मैंने माइक पे भी बोला था यहाँ पे यज्ञ में, मतलब लीला के टाइम पे, अपने चैनल का नाम, तो जिन्होंने सुना वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे एरिया के हैं या हमारे को जानते हैं वो लोग तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समझ सकते हैं आपसे भी कि बहुत जल्दी हमको अपने चैनल ग्रो कराना है। अब तो सब्सक्राइब कर लें चैनल, वीडियो को लाइक कर दें और जो इन्होंने कहा वो कर दें, यानी कि राधे राधे लिख दें कमेंट में। चलिए दिखाते हैं आप सभी को पूरा एरिया। तो गाइस, अभी कोई नहीं आया लीला पंडाल में, देख सकते हैं आप सभी, क्योंकि अभी अराउंड 10:30 हो रहा होगा लगभग। और अपना टेंट तो पूरा अपना ही लगा, लेकिन डीजे जो है कुछ तंबोर से आया, थोड़ा अपना भी लगा। यहाँ पर देखते हैं सब सच चुका है यहाँ पे पूरा, कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। टेंट अपना पंडाल कैसा लग रहा है आप सभी को? तो अभी हो रहा है यहाँ पर भजन, सुन सकते हैं आप सभी, सत्संग हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पे ब्यास जी मंचासीन हो गए हैं और अभी भजन चल रहा था, श्यामा तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, तो आप सभी यूट्यूब पर जाके सुन सकते हैं, बड़ा ही प्यारा भजन है ये। और वहाँ पे डीजे भी पूरा सेट हो चुका है, देख सकते हैं आप सभी। और ब्यास जी भी मंचासीन हो चुके हैं, जजमान जी भी आ गए हैं। और तो गाइस, अभी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी, हनुमान जी का पूजन हो रहा है। पूजन होने के बाद ब्यास जी को भी टीका लगाया जाएगा और जो ब्यास जी ऑर्गन पे बैठे हैं उनको भी लगाया जाएगा, तबला लिभे, जो सभी लोग को एक एक करके सभी को लगाया जाएगा। यहाँ पर स्टेज पर जितने लोग भी हैं, तो गाइस यहाँ पे हो रही है आरती। तो 2 दिन की लीला बढ़ चुकी है, अभी अनाउंसमेंट हो चुका है यहाँ पे, मतलब माइक पे, तो वो तो मैंने शूट नहीं कर पाया था, लेकिन 2 दिन की लीला बढ़ चुकी है। देखते हैं अब क्या लीला खेलते हैं 2 दिन में और क्या कथा होती है। मतलब कथा तो वैसे रामचरित्र जो कथा है वो आज ही विराम हो जाएगी, परंतु कल भक्त माल की कथा सुनाई जाएगी, उसमें भक्तों की कथा सुनाई जाएगी। भगवान की कथा के साथ साथ भक्तों की कथा भी बहुत जरूरी है। जब यहाँ पे हो रही है आरती, मैं कर रहा हूँ आरती, तो यहाँ पे मतलब मैंने अपना फ़ोन जो है ट्राईपोर्ड पे लगा दिया था और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आरती। वहाँ जो नाना जी हैं पीछे मेरे, तो वो अभी ब्यास जी जो थे उधर बैठे हुए, उनके तिलक कर रहे थे और नानी तिलक कर रही, इसलिए मैं यहाँ पे आरती कर रहा हूँ। आरती करने के बाद अभी कथा प्रारंभ होगी। और मैंने जैसा आप सभी को बताया कि 2 दिन की कथा और लीला बढ़ चुकी है,
तो देखते हैं क्या होता है, उसके ब्लॉग्स आप सभी को मिलते रहेंगे, बड़े ही अच्छे ब्लॉग्स आएंगे दो दिन के। पूजा की होने जा रही है अभी हवन यानी की, तो भी दिखाते हैं आप सभी को। तो परिक्रमा हो रही है अभी यहाँ पर, मतलब जो मंडप है वहाँ पर परिक्रमा हो रही है। और ये है यज्ञशाला और ये है लीला पंडाल। बस अभी मैं आ चुका हूँ यज्ञशाला में, वहाँ पे कथा प्रारंभ हो चुकी है, यहाँ पे भी आचार्य आ गए हैं, अभी परिक्रमा चल रही है। और मैंने उस दिन जल विहार वाला दिन भी दिखाया था सभी को यज्ञशाला, यहाँ पे हवन प्रारंभ हो चुका है, यहाँ पे यज्ञ प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पे 1108 आहुतियाँ प्रतिदिन, सॉरी 10108 आहुतियाँ प्रतिदिन होती हैं। और आज फाइनल दिन है इसका, यानी कि आज ही विराम हो जाएगी यज्ञ। मेरे नैना लड़ गए अवध बिहारी से, बड़ा ही प्यारा वजन अभी ब्यास जी के मुखारविंद साहब ने सभी ने सुना। तो यहाँ पे आज हो रहा है राम जी का राज्याभिषेक, क्योंकि आज है कथा का विराम दिवस। और आज के बाद होगी तो दो दिन की कथा, लेकिन वो होगी भक्तमाल की कथा। वहाँ आज राम जी की कथा विराम हो चुकी है। यहाँ पर आपको भरपेट भोजन मिलेगा। इसको लेकर के आया हूँ यहाँ पर आने लगा, कई दिनों से भोजन नहीं किया है। अच्छा, भूखा परमात्मा होता है तो प्रजा उसका अनुकरण किया करती है, इसलिए ये आम दरबार है, कोई भी शुभ समाचार हो तो हमें आकर के बताना। आज है महाराज हरिश्चंद्र जी की लीला, तो आप सभी देख सकते हैं आज की लीला बड़ी ही सुंदर है। तो आप सभी जाके यूट्यूब पे किसी के भी चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारी मतलब राजा हरिश्चंद्र जी की लीलाएं पड़ी हुई देख सकते हैं आप सभी जाके वहाँ पे। तो आज मैं कार्यालय में ही बैठा हुआ हूँ आज, क्योंकि राहुल भैया हैं इसलिए मैं कार्यालय में बैठा हुआ। देख सकते हैं आप यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है स्टेज का। तो गाइज मैं आप सभी से ये नहीं पूछूंगा कि आप सभी को ब्लॉग्स कैसे लगे, ब्लॉग्स चाहे जैसे भी लगे हों, लेकिन आप सभी को गाने जरूर अच्छे लगे होंगे, भजन जरूर अच्छे लगे होंगे। तो उसी के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के सबसे, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।